कॉम्प्लिकेशन नहीं हो वैसा देख लेना। मैं एक डॉक्टर होकर बोलता हूँ, ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, इसको प्रिवेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सिंपल, स्टैग्नेंट वाटर में लार्वा पैदा होता है, वो लार्वा को उसको ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का पूरा प्रोटोकॉल है वो फॉलो करके कम से कम नील पेशेंट व्यवस्था देखना है, फ्योर क्लिनिक रखना है। देखो सरकार सीरियस ले रही है बोल के हमको लग रहा है, हम इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, ये ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम है। हम पूरे सरकार को हर तरह हम मदद करेंगे अगर वो हमारा जरूर समझे तो। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। रिक्वेस्ट किया है कि सफिशिएंट प्लेटलेट ब्लड का स्टॉक रखिए और जो भी दूर दूर से आए इमीडिएटली ट्रीटमेंट करके कॉम्प्लिकेशन नहीं हो वैसा देख लेना। मैं एक डॉक्टर होकर बोलता हूँ, ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, इसको प्रिवेंशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सिंपल, स्टैग्नेंट वाटर में लार्वा पैदा होता है, वो लार्वा को उसको ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का पूरा प्रोटोकॉल है वो फॉलो करके कम से कम नील पेशेंट व्यवस्था देखना है, फ्योर क्लिनिक रखना है। और यहाँ पर गरीबों के लिए जो गवर्नमेंट ने नॉमिनल रेट फिक्स किया है वो प्राइवेट मैनेज प्राइवेट हॉस्पिटल को, डायग्नोस्टिक सेंटर को सब बताकर कोई गरीबों से ज़्यादा पैसा ना लेते हुए कम से कम जो गवर्नमेंट रेट फिक्स किया है उसके मुताबिक फीस लेकर ट्रीटमेंट डायग्नोस करके सही जगह उनको रेफर करने के लिए हम लोगों को विनती करते हैं। देखो सरकार सीरियस ले रही है बोल के हमको लग रहा है, हम इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं, ये ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम है। हम पूरे सरकार को हर तरह हम मदद करेंगे अगर वो हमारा जरूर समझे तो। इसको सरकार और बहुत सीरियस लेकर ये प्रिवेंटिव मेजर ग्रास रूट लेवल, ग्राम पंचायत लेवल, विलेज लेवल जाकर अवेयरनेस देने के लिए हम विनती करते हैं।